बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में किसान भारत सिंह मौत मामले में पुलिस द्वारा राजमार्ग अवरोध कर जान से मारने की धमकी और हत्या मामले में दर्ज FIR। मामले में BKU के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन को दी चेतावनी, यदि दोनों मामले रद्द नहीं किए गए तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने किसान की मौत पर कहा कि इस रैली का आयोजन रतन लाल कटारिया और नायब सैनी ने किया था, लेकिन उनकी बात नहीं हुई है और बात करके ही वो कुछ बता पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी कई किसानों के साथ थाना नारायणगढ़ पहुंचकर थाना प्रभारी से मिले। उन्होंने इस मौके पर प्रशासन को चेतावनी दी कि किसानों पर जो हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे सरासर गलत है और सब झूठा मामला है। बीजेपी पार्टी के लोग ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। कल उनकी रैली में भरत सिंह नाम के व्यक्ति की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई, जिसको किसानों द्वारा हत्या दिखाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। भाजपा अपने कार्यकर्ता की मृत्यु पर भी निजी फायदा उठाना चाहते हैं, इससे बुरी सोच और क्या हो सकती है। बीजेपी का चरित्र और अपने एक कार्यकर्ता से एक और मुकदमा काफी लोगों पर दर्ज करवाया है, उसको रास्ते में रोक कर मारने की धमकी दी और नारायणगढ़ से सहजादपुर रोड जो स्टेट हाईवे भी नहीं है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग दिखा दिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह लोग भविष्य में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी हरकत कर सकते हैं, इसीलिए मेरा देश के सभी किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि हर जगह बीजेपी का कड़ा विरोध करें और अगर यह मामले वापस न लिए गए तो यूनियन व किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। नारायणगढ़ में जो बीजेपी की रैली थी उसमें एक व्यक्ति की, भरत सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका हमें अति अफसोस है। लेकिन बीजेपी जो है वो बड़ी ऊंची हरकतों से उतर आई है और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवाया है, कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि किसान से मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है, उसको खींच के नीचे डाला गया है। हम आपको कमेंट में उसकी वीडियो भी भेजेंगे। किसी ने उससे कोई हरकत नहीं की, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको पहले भी हार्ट अटैक हो चुके हैं, जो हमें मालूम हुआ है कि उसको पहले 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं और बुजुर्ग व्यक्ति था 75 साल का, ऐसे व्यक्तियों को आंदोलन में लेके भी नहीं आना चाहिए। लेकिन ये स्वार्थी लोग मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता का मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं और इन्होंने जो है इस तरह से मुकदमे दर्ज करवाना अति निंदनीय है। ये और भी बहुत से मुकदमे इन्होंने दर्ज करवाए और एक और मुकदमा अपने कार्यकर्ता के माध्यम से इन्होंने रास्ता रोकने का के रास्ते में रोका, मेरे साथ है, इन्होंने हाथापाई की, मेरे को मारने की धमकी दी, उसमें हमारे 15-20 लोगों का नाम दे के और 300 लोगों का अन्य नाम दे के उनको कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो 302 में जिनका नाम आया है उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये तीन इंद्रिया हमारी मांग है कि जो इस रैली के आयोजक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ना कि किसानों के ऊपर, और ये जो मुकदमा इसकी जांच करके ये FIR रद्द की जाए उनके ऊपर जो नायब सैनी। नहीं, मेरी देखिए जो रैली के ऑर्गेनाइजर थे श्री रतनलाल कटारिया जी और नायब सैनी के साथ, मेरी अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। मैं उनके साथ बात करके स्थिति का सही स्थिति का ज्ञान लेके फिर मैं बात करूँगा।